हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11 चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एग्जांपल नंबर 3 है। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, साथ ही साथ अगर मैंने इसका एक बेसिक्स वीडियो भी बना रखा है, अगर वो भी आपने नहीं देखा तो किस बात का वेट कर रहे हो यार। डिस्क्रिप्शन में जाओ, फटाफट से एक लिंक मिलेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के नाम से, क्लिक करो और सारे के सारे वीडियो को एंजॉय करो। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओहो, रेडियस फाइंड आउट कर रहा है हमें। ठीक है सर, एक सर्कल है सर, तो चलिए सर सर्कल बनाते हैं। आ जाते हैं, सर्कल बना लेते हैं। आप सपोज करोगे कि ये एक सर्कल है सर, सपोज ही किया जा सकता है। चलो ठीक है, ये हमारा सर्कल है, इसका रेडियस आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, फाइंड आउट कर लेंगे सर रेडियस। ठीक है, क्या दिया हुआ है, इन विच द सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री। इसके बीच में एंगल दिया हुआ है कहीं ना कहीं 60 डिग्री। लेट अस सपोज ये एंगल हमारा कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर। आर्क किसको बोलते हैं भैया, ये वाला लेंथ कितना होता है, आर्क होता है। यानी कि यहां से यहां तक का जो लेंथ दिया है वो दिया है 37.4 सेंटीमीटर। अब इसके बेसिक्स वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि जो इसका लेंथ का यूनिट होता है, यहां सेंटीमीटर है, तो ये भी जो आने वाला है इसका आंसर, ये भी सेंटीमीटर में ही आएगा। और ये एंगल जब आप यूज करते हो, क्या पहले गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन हमें दिया हुआ है थीटा इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ हमें 60 डिग्री। साथ ही साथ हमें आर्क दिया है, लेंथ ऑफ आर्क, इसको एल से डिनोट कर रहे हैं हम लोग। और ये हमें दिया हुआ है 37.4 सेंटीमीटर। नाउ हम लोग एक फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, थीटा इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस, थीटा इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस। ये बेसिक्स वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है इसके बारे में, लेकिन यहां पर मैंने बता रखा है कि ये थीटा जो होना चाहिए ना, वो रेडियन में होना चाहिए, डिग्री में नहीं होना चाहिए। यहां तो सर हमें डिग्री में दिया हुआ है। कोई बात नहीं बच्चा, इसको आप चेंज कर लो, किसमें, रेडियन में। किसमें चेंज कर लोगे, रेडियन में। आपको पता है 180 डिग्री इक्वल्स टू बाई रेडियन, तो हमारे पास 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दैट इज सर पाई बाई 60। कितना हो जाएगा, पाई बाई 180। हमसे पूछा है सर 60 डिग्री में, तो 60 डिग्री में पाई बाई 180 इंटू 60 कर लेंगे, जीरो से जीरो मच जाएगा, 6 के बाद टेबल में 3 टाइम्स, यानी कि सिंपली कितना आ जाएगा, पाई बाय 3 रेडियन। कितना आ जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई बाय 3, और इतना क्या रेडियन। ठीक है, समझ में आ रही है बात, समझ में आ गई बात। यानी कि ये जो थीटा आप यूज करने वाले हो वो डिग्री में नहीं होना चाहिए, ये किस में होना चाहिए, तो ये हमेशा रेडियन में होना चाहिए। ठीक है सर, समझ गए सर, अच्छी बात है। हमें निकालना क्या है, हमें तो रेडियस निकालना है। चलो रेडियस इधर ले जाते हैं, तो एल बाई थीटा कितना हो जाएगा, एल बाई थीटा। ठीक है, रेडियस तो हमें फाइंड आउट करना है। एल, एल का वैल्यू दिया है क्या, बिल्कुल दिया हुआ है सर, 37.4। इस 4 को हम लोग ऐसे लिखते हैं, डिवाइडेड बाई थीटा। थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा हमें दिया है पाई बाई 3। कितना दिया है, पाई बाई 3। आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं, इधर इसको मिटा दें, इधर वाले को मिटा दें। हाँ सर मिटा दो सर। चलो ये 3 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, बेसिक्स मैथ है हमारा। ठीक है, 37.4 इंटू 3, जब इस टाइप के 3 नंबर में हो, ऐसे पाई बाई 3 ऐसे है ना, पाई बाय 3 ऐसे है, तो ये थर्ड नंबर कहां चला जाता है, ऊपर, डिवाइडेड बाय पाई। डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, पाई। अब पाई का वैल्यू सबको पता है, कितना पता है, यहां पे दिया ना भाई 22/7, अगेन 7 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 37.4 इंटू 3, और इंटू डिवाइड बाय क्या होता है, 22/7, ये 7 चला जाता ऊपर, तो यहां से हम लोग इसको हटा देंगे, तो R इक्वल्स टू, अब डिवाइड वाइड करके आंसर निकालना होगा सर। ऐसा करते हैं सर, पहले इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना होगा, 7 4 जा 28, कैरी 2, 7 7 जा 49, कैरी 5, 7 3 जा 21, 21 और 5 26, इंटू 3 अभी बचा रह गया है, डिवाइडेड बाई 22। अब R इक्वल्स टू कितना निकलेगा, 8 3 जा 24, कैरी 2, 3 1 जा 3 और 2 5, 3 6 जा 18, कैरी 1, 7 डिवाइडेड बाई 22, डिवाइडेड बाई कितना, 22। अब इसको हम लोग को क्या कर देना है, सिंपली डिवाइड दे देना है। डिवाइड देने के बाद अगर आप देखो तो कितना होगा, 3
और 5 और 0.144 दैट इज 7। यानी कि r इक्वल्स टू कितना आ गया, तो आ गया 30.35.7। आपको बताया ये इसका जो यूनिट है रेडियस का भी वही यूनिट होगा, यानी कि ये भी किसमें होगा, सेंटीमीटर में आपको देखने को मिलेगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा। एक चीज जो एकदम VBI करने वाली बात है, अगर आपने बेसिक्स वीडियो नहीं देखा का कोई बात नहीं, देखना चाहते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, लेकिन ये याद रखना कि ये हमेशा किसमें रहेगा, तो याद रखियो ये हमेशा रेडियन में रहेगा वैल्यू, ठीक है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 4 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, एक बार जरूर चेक कर लियो।